हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, कार ट्रेनर ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर। वेलकम टू माय चैनल ड्राइव टू इजी। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर इनको मेरा वीडियो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ जाता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आज हम अपने स्टूडेंट के साथ है रोहन मौर्या, जो आज उनका 10वां दिन है। और जिस तरह गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का कंट्रोलिंग वगैरह है, जो मैं आपका अभी देखो, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं लिया हूँ, जो भी कंट्रोल है अभी रोहन के हाथ में ही है। तो रोहन को जो 10 दिन हो गया, 10 दिन में जिस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो रोहन जी, आपको कुछ डर तो महसूस नहीं हो रहा गाड़ी चलाने के लिए? अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। अच्छा, थोड़ा डर निकल गया आपका? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, इनको कॉन्फिडेंस आ गया गाड़ी चलाने को लेकर। शुरुआत में बहुत जो है थोड़ा नर्वस होते थे गाड़ी चलाने के लिए, अभी चल रहे, बस इतना है कि उनका गियर चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट गियर में थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे हैं। रोहन, आपको फर्स्ट गियर करना है अभी, क्योंकि गाड़ी सीखना जो है, हर कोई जल्दी सीख लेता है, कोई किसी को टाइम लग जाता है। जैसा भी इससे पहले आपने शराफत को देखे, जो मैं स्टूडेंट था, उसने जो तीसरे या चौथे दिन ही कवर कर लिया था आराम से। राइट का इंडिकेटर दो, यूटर्न मारना हमारे को। तो जो तरीका मैं बताया यूटर्न मारने का, बिल्कुल फॉलो करते हैं रोहन इसको लेके। ठीक है, आराम से चलिए। अभी गाड़ी खड्डे में, तो हल्का सा रेस दे के चलना आपको, हल्का एक्सल दो, एक क्लच छोड़ना आपको, गाड़ी बंद नहीं पड़नी चाहिए रोहन। ठीक है, ओके, वेरी गुड, चलते रहिए। तो ये हम लोग जो बामंदिया बस स्टॉप है, लास्ट बस स्टॉप बामंदिया पाड़ा। और यहाँ से बस जो अंदर स्टेशन जाती है, कुल्ला स्टेशन। तो ये जो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, MKH मोटर ट्रेनिंग स्कूल, ये जो है मरोड़ मिलिट्री रोड पर आता है, अंधेरी ईस्ट में। तो दोस्तों, गाड़ी के रिलेटेड या ट्रेनिंग के रिलेटेड, गाड़ी सीखने के लेकर आपके दिल में कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हमारी ट्रेनिंग, मैं जो ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, उसके बारे में भी जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो कभी यहाँ पे आराम से काउंटर से गाड़ी चलाना रोहन, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, आपको रेस दो, सेकेंड गियर डालो, डालिए, चलिए कर छोड़िए। अभी कैसा होता है, जब मैंने कहा था आपको, जब गियर आप चेंज करेंगे ना, तो आपका ये जो राइट वाला हैंड है ना, 12 o'clock पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गियर चेंज करने का। और जब गियर चेंज करेंगे तो एक्सीलेटर से पैर हटा के, जैसे आप क्लच छोड़ेंगे तो दोबारा एक्सीलेटर पे पैर रखना है आपको। तो जब भी ऐसा क्या होता है, अक्सर जो है क्लच भी दबाते हो, रेस भी दबाते हो गियर चेंज करने के टाइम पर, ऐसा नहीं करना है। ओके, क्लच दबा दिए तो रेस से पैर हटा देना आपको। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है क्लच छोड़ना है और फिर रेस दबाना है आपको। ठीक है, कंट्रोल कीजिए आराम से, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो आपको कंट्रोल करते हुए फर्स्ट गियर से चलाना है आपको, या तो हाफ क्लच पे भी गाड़ी क्रॉस हो सकती है, गाड़ी स्लो हो सकती है। हाफ क्लच पे रखेंगे ना तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन आपने क्लच को पूरा दबा दिया, अभी स्लो कीजिए, गाड़ी ब्रेक लीजिए। हाँ, चलिए फर्स्ट गियर डालिए, फौरन गियर चेंज कर दीजिए अभी, वेरी गुड, हॉर्न बजाइए, क्लच दबा के। जब तक क्लच दबेगा नहीं रोहन, घेर जाएगा नहीं। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो टाइम जो क्लच को प्रॉपर पूरा दबाना है, एक तो गियर चेंज करने के टाइम पे, दूसरा जो ब्रेक मारने के टाइम पे। तो ये बात को याद रखिए, जब तक आप क्लच को पूरा दबाएंगे नहीं, गियर जाएगा नहीं, और जब क्लच को नहीं दबाते तो गियर अटक जाता है, तो इससे क्या गियर बॉक्स खराब हो जाता है। तो ये छोटी बड़ी चीज़ें, इसको ध्यान रखना होता है आराम से। तो लेफ्ट से ऑटो रिक्शा अटक किया ना, बहुत डेंजर है। अभी आप हल्का सा एक्सीलेटर दे दो और सेकेंड गियर डालना, रेस दो, डालिए सेकेंड गियर, चलिए परफेक्ट, चलिए सेकेंड गियर भी चला गया, रेस दो। तो यहाँ पे जो है अभी उन्होंने अच्छा मेंटेन किया, लेकिन जो उनका हाथ 12 o'clock पर नहीं आया रोहन का, लेकिन ठीक है, सेकेंड गियर में गियर चलते थी गाड़ी आराम से। आगे से हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर देना, तो लेफ्ट में पब्लिक खड़ी है, तो लेफ्ट का मिरर आपको देखना है, आपको अंदाज़ा हो जाए कि लेफ्ट में पब्लिक कितने गैप में खड़ी है, कितनी फीट पे खड़ी है। जो साइकिल वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, सामान लेना। अभी लेफ्ट लेना, आपको क्लच को दबाइए, स्लो कीजिए, गाड़ी फंस गए डालिए फौरन, या स्लो पे गाड़ी फंस गए, चलिए लेफ्ट में चलिए, चलिए क्लच छोड़ते रेस दो, चलो क्लच अभी एक्सीलेटर दबाइए और रेस देना, ठीक है, स्लो पे गाड़ी ना। हाँ, रेस दबा के रखिए, दबा के रखो, रेस छोड़ना मत, रेस दबा के रखो और क्लच छोड़ दीजिए, चलिए आने दो, चलिए आने दो, आने दो, आने दो, वेरी गुड, परफेक्ट, अंदाज़ा हो गया आपको ना, वेरी गुड। लेकिन आपने क्या गलती किया पता है?
आप लेफ्ट में चल रहे देखे तो पूरा लेफ्ट में आपका फोकस था, राइट में कौन सी गाड़ी आ रही है आप उसको देख ही नहीं रहे। तो ऐसा मत कीजिए, जल्दी टर्निंग के डर पे ना चारों तरफ आपको देखना है, लेफ्ट में भी देखना है राइट में भी देखना है, चारों तरफ आपको देखना है। ड्राइविंग जो है ना रोहन बहुत केयरफुल का मतलब बहुत केयरफुल होकर ड्राइविंग करना होता है आपको, एकदम चौकन्ना रहना होता है क्योंकि ये रास्ता है, रोड है, एक तो हमारी भी जान है सामने सामने वाले की भी जान है। स्टॉप करो, क्योंकि रिवर्स ले रहा है ना वो, तो आपको स्टॉप करना चाहिए। बस 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 चलिए धीरे धीरे कलच छोड़िए, आराम से स्टार्ट कीजिए गाड़ी, कलच दबा के स्टार्ट करो, कलच दबा के क्योंकि गाड़ी घेर में है ना। चलिए अब रेस दबाइए, कलच छोड़िए धीरे धीरे, ब्रेक मत छोड़ो, ब्रेक छोड़ दो। चलिए अभी परफेक्ट, आप क्या करें ब्रेक दबा रहे हो ना कलच छोड़ रहे हो तो ब्रेक नहीं छोड़ रहे, ब्रेक क्या टच भी करेंगे ना तो ब्रेक लग जाता है क्योंकि डिस्क ब्रेक है ना ये। आप ब्रेक को पकड़ के भी रखेंगे ना तो ब्रेक लग जाता है, और आप कलच छोड़ रहे हो तो आप तो जब ब्रेक लगा हुआ है तो कलच छोड़ेगी तो गाड़ी बंद ही पड़ जाएगी। थोड़ा कलच का ब्रेक का कम्युनिकेशन आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, आराम से हॉर्न बजा के चलना, वेरी गुड वेरी गुड, संभाल दीजिए। तो दोस्तों हमारी ड्राइविंग जो रोहन मौर्या चला रहे हैं, इनकी ड्राइविंग आपको कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लेके बताइए। और दोबारा मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गया आपको तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और जो गाड़ी के सीखने से लेकर ट्रेनिंग से लेकर कोई भी अगर का सवाल क्वेश्चन है कि देखो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, अगर आप ऐसा सवाल करो जो मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा, मैं लोगों अपने और जैसे मास्टर इन लोगों से पूछूँगा कि मुझे मालूम पड़ेगा कि आप सवाल करेंगे तो जवाब देने में आपको भी सीखने मिलेगा, मुझे भी सीखने मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू।